गैस द नेक्स्ट इट्स टेक्निकली नॉट अ क्वेश्चन इट वी कॉल इट द साइलेंट ट्रीटमेंट अब होता क्या है देर इज अ पार्ट कॉल स्ट्रेस इंटरव्यू या जब एग्जामिनर या इंटरव्यूर ये देखना चाहता है कि हाउ डू यू रिएक्ट व्हेन यू आर अंडर स्ट्रेस व्हेन यू आर अंडर प्रेशर इट हैपन्स अ लॉट इन एस इट हैपन्स अ लॉट इन कैट राइट इट हैपन्स अ लॉट इन बेसिकली वैन आई एम देअर फॉर माई फर्स्ट सेकेंड और थर्ड इंटरव्यू वेन आई एम अ फ्रेशर राइट तो इन लोगों के साथ थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो आपको एस में बहुत ज़्यादा मिलेगा ये आपको आई के इंटरव्यूज़ में बहुत ज़्यादा मिलेगा और ऐसे इंटरव्यूज़ में जो आपके स्टडी रिलेटेड इंटरव्यूज़ हैं उसमें बहुत ज़्यादा होता है जॉब्स में जब हम बात करते हैं तो हमारे फ़र्स्ट सेकेंड जॉब जब मैं बिल्कुल बिगिनर रुकी लेवल पे होता हूँ उन जॉब्स में वाला क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा होता है तो व्हाट हैपेंस बेसिकली इन अ साइलेंट ट्रीटमेंट इज़ से फॉर एग्जांपल एग्जामिनर आपसे कोई डिफिकल्ट सा क्वेश्चन पूछेगा इंटरव्यूअर से टेल मी समथिंग अबाउट योर वीकनेसेस आपने अपनी वीकनेसेस बताई एक मिनट डेढ़ मिनट फिफ्टी सिक्सटी सेकेंड्स एंड देन यू आर ओवर बट द एग्जामिनर विल नॉट से एनी थिंग वो चुप बैठा रहेगा एंड ही माइट स्टेयर एट यू वो कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बनाएगा कि यार अभी और बोलो एंड नाव वॉट इज क्योंकि उसने कुछ दस बीस पच्चीस सेकेंड नहीं बोला एंड इंटरव्यू में माइंड यू दो थर्टी सेकेंड्स लुक लाइक थ्री मिनट्स फोर मिनट्स कि यार कोई बोल ही नहीं रहा है तो तीस चालीस सेकेंड चुप बैठा है आप टेंशन में आ गए आपने दोबारा एक लाइन बोली फिर आप कुछ और बोले यार यू स्टार्ट

अब सिंपल सी बात है आप अगर मैं ये वाला काम तभी तक करता है जब तक आप डर रहे हो ठीक है जब तक कोई भूत से डरता है तब तक हम उसको भूत की कहानियाँ सुनाते हैं एक बार भूत से डरना बंद हो गया तो भूत की कहानियाँ भी वो फिर हम उसे सुनाना बंद कर देते हैं हमारे को मज़ा ही आना बंद हो जाता है क्योंकि वो डरना बंद कर देता है एग्जैक्टली सेम चीज़ यहाँ पे है तो आपने क्या करना है आप वो चुप बैठा है आप चुप बैठिए पाँच सेकेंड दस सेकेंड पंद्रह सेकेंड जब तक आपको लगता है कि नहीं कुछ और आना चाहिए बी वेरी रिलैक्स उन दस पंद्रह सेकेंड में आपने पैनिक नहीं करना है उसके बाद भी अगर वो क्वेश्चन नहीं पूछता है तो बहुत पोलाइटली केवल एक लाइन बोलनी है सर इज देर एनी थिंग विच आई कैन एड अपॉन इन दिस क्वेश्चन दैट्स इट ठीक है आपने उसको एक क्वेश्चन कर दिया कि सर इसमें कुछ और आप मुझसे चाहते हैं बताना तो मुझे बता दीजिए मैं बता देता हूँ एंड दैट्स इट आपने अपनी तरफ से उसमें कुछ और ऐड नहीं करना है टिल द टाइम यू आर वेरी श्योर यू आर हैप्पी विद योर आंसर आप चुप बैठेंगे पंद्रह सेकेंड एंड देन यू विल जस्ट सिंपली से सब वेरी पोलाइटली सकाजम नहीं टोंट नहीं मारना है बहुत पोलाइटली सर कैन आई एड एनीथिंग एल्स इन दिस क्वेश्चन प्लीज टेल मी समथिंग लाइक दिस एंड दैट्स इट तो यहाँ पे क्या होगा जैसे ही आप ये बोलते हो साइलेंट ट्रीटमेंट खत्म हो गया अब उसको क्वेश्चन पूछना ही पड़ेगा बोलेगा नो नो आई डोंट वॉन्ट टू आस कैरी ऑन कुछ तो बोलेगा और उसके बोलते ही फिर आप उसके अकॉर्डिंगली उसको आंसर देंगे तो बहुत ज़्यादा होगा एस एस बी गाइज इट हैपन्स अ लॉट यू जस्ट हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट यही एक यही चीज़ें जहाँ पर आपकी बॉडी लैंग्वेज दिखती है यही चीज़ें जहाँ पर पता चलता है कि यार ये तो नर्वस हो गया अब अब इसको और एक बार आप नर्वस होते हो उसके बाद आपका इंटरव्यू ख़राब होना शुरू हो जाता है तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से टैकल करना है यू हैव टू बी वेरी श्योर एंड यू हैव टू टैकल इट वेरी वेरी कॉन्फिडेंटली वो क्वाइट है आप भी क्वाइट रहिए आफ्टर टेन फिफ्टीन सेकेंड यू कैन सिम्पली आस कि सर कुछ ऐसा है जो मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए राइट एंड देट विल बी the end of this silent treatment thank you guys thanks for watching the video if you found this video helpful press the like button subscribe to our channel and ring that bell icon so that you can get notified every time we upload a new lesson